सेंधवा किले पीछे स्थित भगवती कॉलोनी में कपिल सिंह के सुने मकान में अज्ञात कारण से लगी आग। घर की ऊपरी मंजिल पर लगी आग आसपास के लोगों ने घर से धुआं उठते देखकर पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना की। सूचना के बाद शहर थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। ताला लगे होने के कारण ताला तोड़कर ऊपर पहुंचे फायर कर्मी और पुलिस आग पर पाया काबू। घर के ऊपरी मंजिल पर अगले कमरे में रखे बेड सोफा सेट आदि सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने घर मालिक को सूचना की है। आग से कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन नहीं है। मकान मालिक के आने पर नुकसानी का पता चलेगा। आग लगने की घटना के बाद गली में लोगों की भारी भीड़ लग गई। अंजड़ चाय बनाते समय गैस टंकी में लगी आग, सूझबूझ से बुझाई आग। आग लगने से कच्चे मकान का कुछ हिस्सा, कपड़े, पलंग, बिस्तर सहित अन्य सामान जला। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच बड़वानी रोड स्थित योगेश पांडे के घर में चाय बनाते समय अचानक गैस टंकी के पाइप में आग लग गई। गैस रिसाव से आग की लपटें निकलने से आग बुझाने में काफी समस्या हुई। काफी मशक्कत के बाद गैस टंकी से पाइप को अलग कर आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दौरान घर में रखे कपड़े, बिस्तर, पलंग सहित कई सामान भी आग की चपेट में आ गए। आगजनी की घटना के समय घर के सभी सदस्य, महिलाएं, बच्चे सभी घर में मौजूद थे। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो जाता। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। मैं सुबह उठा, गैस रेगुलेटर चालू करा, मैंने पहले उधर वाले गैस पे मैंने चाय रखी, इधर वाले गैस पे मैंने दूध रखा, उधर से भप एकदम करा तो इधर वाले को पकड़ते हुआ ना डायरेक्ट रेगुलेटर पे आग लग गई। रेगुलेटर मैंने बंद करने कोशिश करी पर वहाँ पूरी आग फैली हुई थी, तो मैंने हाथ वहाँ डाला नहीं, मैंने नली खींचने की कोशिश करी कि नली खींच दे तो टंकी अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। करीबन कितने रुपये का नुकसान हुआ आपको आग लगने? ये तो बहुत सी चीज़ों का नुकसान हुआ, ऊपर टापरा जला हुआ है, पलंग जले, गादी बिस्तर जले, मेरे कपड़े जले, उसमें पैसे थे वो जले, मोबाइल, टीवी, मोबाइल, मेरे दो मोबाइल थे वो जल गए, बहुत नुकसान हुआ।